चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 60 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक के साथ मुद्रा गुणक बढ़ता है? ऑप्शन ए है नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि, बी है सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सी है जनसंख्या की बैंकिंग आदत में वृद्धि, और डी है देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो जनसंख्या की बैंकिंग आदत में वृद्धि से मुद्रा गुणक बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनसंख्या की बैंकिंग आदत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 62, 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन ए है जुलाई 1969 में, बी अगस्त 1970 में, सी जुलाई 1968 में, और डी जनवरी 1969 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जुलाई 1969 में। जुलाई 1969 में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा नोट नहीं जारी करता? ऑप्शन ए है 100 रुपए का, बी है 50 रुपए का, सी है 200 रुपए का, और डी है 1 रुपए का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 64, वाणिज्य बैंक को अग्रिम देते समय भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से लेती है। ऑप्शन ए है जमा दर, बी है उधार दर, सी है बैंक दर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैंक दर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसे बैंक नहीं कहेंगे? ऑप्शन ए है प्रादेशिक सहकारी बैंक, बी है बैंक ऑफ मदुरा, सी है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, और डी है प्रादेशिक वित्तीय निगम। तो इसमें से प्रादेशिक वित्तीय निगम जो है वो बैंक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रादेशिक वित्तीय निगम। क्वेश्चन नंबर 66, मुद्रा के प्राथमिक कार्य कितने हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, और डी है 4। तो मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य हैं वो है 2, एक विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापक। क्वेश्चन नंबर 67, मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने मुद्रा का परिमाण सिद्धांत को निम्नलिखित की व्याख्या कहा है। ऑप्शन ए है उत्पादन एवं आय, बी है मूल्य स्तर, सी है मुद्रा की पूर्ति, और डी है मुद्रा की मांग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुद्रा की मांग। क्वेश्चन नंबर 68, यदि किसी वर्ष मुद्रा की आय चलन गति 3 हो तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा भंडार होगा। ऑप्शन ए है वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1/3, बी है 3 महीने की राष्ट्रीय आय, सी है वर्ष की मौद्रिक आय का 1/3, और डी है वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 3 गुना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 3 गुना। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सी निकट मुद्रा नहीं है? ऑप्शन ए है सावधि जमा, बी है बचत और उधार हिस्सा पूंजी, सी है ट्रेजरी बिल, और डी है बैंकों के पास मांग जमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बचत और उधार हिस्सा पूंजी, मतलब ये जो है निकट मुद्रा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, हिक्स हैंसन विश्लेषण जो निवेश बचत वक्र और तरलता मुद्रा पूर्ति वक्र की सहायता से किया गया है, यह बतलाता है कि जिन दोनों बाजारों में एक साथ साम्य होता है वे हैं। ऑप्शन ए है वस्तु बाजार और साधन बाजार, बी है मुद्रा बाजार और साधन बाजार, सी है मुद्रा बाजार और स्टॉक बाजार, और डी है मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार, मतलब इन दोनों बाजारों में एक साथ साम्य होता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।